नमस्कार, मैं हूँ काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। पूरे बिहार में रक्षाबंधन का त्यौहार कल यानी 31 अगस्त को मनाया जाएगा। ऐसे में अगर आप महिला हैं, लड़की हैं, तो आपके लिए ये फायदे वाली खबर है, क्योंकि 31 अगस्त को राजधानी पटना की जो बसें हैं, बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग के द्वारा जो है सभी बसें महिलाओं को मुफ्त में यात्रा कराएंगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ये खबर महिलाओं के लिए। हमने आपको पहले भी बताया है कि महिलाओं के लिए खबर है, लड़कियों के लिए खबर है कि 31 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर जो है यह ऐलान किया गया है कि महिला लड़की को जो है मुफ्त में निःशुल्क यात्रा कराया जाएगा। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के दिन बिहार की राजधानी पटना में महिलाएं बस में निःशुल्क यात्रा करेंगी। महिलाएं और छात्राओं के लिए बसों में मुफ्त यात्रा कराने का ऐलान बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने किया है। बिहार में 31 अगस्त को ही रक्षाबंधन की छुट्टी है, ऐसे में पटना में महिलाओं को इस दिन के लिए ये सुविधा मिलेगी। यानी कि 31 अगस्त को जो रक्षाबंधन बिहार में मनाया जा रहा है और राजधानी पटना में इस सुविधा को जो है लाया गया है कि जो भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनको जो है फ्री में बस की सेवा दी जाएगी। 31 अगस्त को पटना से खुलने वाली लगभग सभी मार्गों में बसों में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने जो घोषणा की है उसके मुताबिक पटना में मार्ग संख्या 111 यानी कि 111, 111 ए, 222, 444, 555, 888, 888 ए, 999, 100, 200 पर महिलाएं जो हैं इस योजना का लाभ ले सकेंगे। यानी कि जो नंबर हमने आपको बताया है वो नंबर की बसें हैं और वो बस में महिला लड़की जो है मुफ्त में कल यानी कि 31 अगस्त को यात्रा कर सकेंगी। वहीं आपको बता दें, साथ ही आपको बता दें कि बस में मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। पटना में पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से खुलने वाली बसों में भी ये सुविधा मिलेगी। सुबह 7 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक महिलाएं इस निःशुल्क यात्रा का लाभ ले सकेंगी। पटना के गांधी मैदान स्थित बांकीपुर बस स्टैंड, पाटलिपुत्रा बस स्टैंड या फिर रास्ते में कहीं से भी कोई महिला या छात्र सफ़र करती है तो सभी को यह सुविधा जो है वो दी जा रही है। रक्षाबंधन के दिन बसों में महिलाओं और छात्राओं को निःशुल्क यात्रा की सुविधा के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि बहन भाइयों को राखी बांधने के लिए पटना से कहीं भी जाना चाहें तो वहां जाने में मुश्किल ना हो, इसलिए यह फैसला परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने पहली बार रक्षाबंधन के दिन महिलाओं के लिए बसों में निःशुल्क यात्रा कराने का जो है फैसला लिया गया है। और 31 अगस्त यानी कि कल है रक्षाबंधन और इसको लेकर बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग के द्वारा ये फैसला लिया गया है कि जो भी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, राजधानी पटना में हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह यानी कि अपने भाई को राखी बांधने जा रही हैं, तो अगर वो इन सभी बसों में अगर यात्रा करती हैं तो उन्हें निःशुल्क यानी कि फ्री में यात्रा कराया जाएगा। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।